मर्दों के कुछ ऐसे मसाइल के उनके जो स्पॉन्स होते हैं उनमें पस का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से स्पॉन काउंटिंग भी कम हो जाती है और बेल आदि का जो शुरू हो जाता है. तो इसके लिए जो है ना फिटकरी बहुत अच्छी चीज है. फिटकरी उसको बरिया करना है और सिर्फ उसे बरिया करना. आप ये अभी तो जितनी भी हो ठीक है उसको बरिया कर ले, तो उस पर पीस कर फिर उसकी एक चुटकी का मैंने बताना है कि एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम, या फिर छोटा सा जो कैप्सूल होता है जीरो का वो भर ले, उसमें तकरीबन एक चुटकी का आ जाएगा उसका, तो इतनी तो भरी जाएगी. तो ये दिन में दो बार तीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसकी खुश्की से जो पल्स होगी सेल्स की वो इंशाल्लाह खत्म होगी. इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज हैं जो किकर के फायदे पड़े हो अगर किसी ने, तो उन्हें अंदाजा होगा. अगर किसी ने बरगद के दरख्त को अच्छे से डिटेल से पढ़ा होगा तो उन्हें पता चलेगा कि बरगद की जो बरगद का जो फल होता है तो बोहट के ऊपर फल लगा होता है और कफ का जो नीचे गिर जाता है उसको फेंक दिया जाता है. अगर इसको उठाकर खुश्क करके पाउडर करके रख लें तो ये याद रखना पड़ेगा इसमें बरगद का अगर यूज करना है, अगर उसके फल का या किसी भी चीज का. इसमें दो इकसाम होती है दरख्त की, एक नर और एक मादा. अब जो नर दरख्त होता है वो खवातीन के लिए है, जो मादा जो नर होता है वो मर्दों के लिए है और जो मादा होता है वो खवातीन के लिए है. ये कैसे पता चलेगा कि क्या मुजक्कर है इसमें क्या मुअन्नस है, किस दरख्त के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं मुअन्नस हूँ मैं मुज़क्कर हूँ, तो ये हमें उनकी हाइट से पता चलेगा. जिसकी हाइट ज्यादा होगी वो होगा मुज़क्कर होगा और जिसकी हाइट कम होगी वो मुअन्नस, वो खवातीन के लिए होगा. तो फिर उनका जो फल होगा वो उसी हिसाब से उठाए और उसको खुश करके पीस कर अच्छे से पुड़ियां बना के रखें या फिर कैप्सूल बन लें. तो ये खवातीन के भी हर तरह के इंफेक्शन और पस को अंदर अंदरूनी निजाम के दूसरी के लिए काम आता है, और अगर मर्द इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छी बात है. और अगर इनकी इनके ताजा ताजा फल की अगर खीर बनाकर इस्तेमाल की जाए तो वो भी इसी तरह ना खवातीन के लिए भी अच्छी है और मर्दों के लिए भी अच्छी है. जी नाज़रीन, मुज़क्कर मुअन्नस जो है फारसी का लफ्ज है, मुज़क्कर मुअन्नस उर्दू में हम पढ़ते हैं मेल एंड फीमेल. फारसी का जो है ये लफ्ज, अगर इसको पता ना हो तो मुज़क्कर कहते हैं मादा को और मुअन्नस कहते हैं इसको, तो ये आप जान लें. ऐसे से इंसानियत चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम तर नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें.